नमस्कार, स्वागत है आपका। यह है बीबीसी दुनिया और मैं हूं नेहा भटनागर। ब्रिटेन यूरोपीय संघ में रहेगा या नहीं, इस पर मतदान कल। जनमत संग्रह पर क्या सोचते हैं यहां बसे भारतीय। उत्तर कोरिया ने फिर किया मिसाइल टेस्ट। दक्षिण कोरिया ने कहा यह संयुक्त राष्ट्र की ओर से लगाई गई पाबंदियों का उल्लंघन। पाकिस्तान के कराची शहर में मशहूर कव्वाल अमजद साबरी की हत्या। बंदूकधारियों ने सरेआम सड़क पर चलाई गोलियां। चीन के एक गांव में बगावती सुर। गांव प्रमुख की भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तारी से नाराज। गांव वाले कर रहे हैं प्रदर्शन। और आखिर में अमेरिका में कुछ खास रेस्टोरेंट क्यों बेच रहे हैं एडवांस बुकिंग के लिए टिकट। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। कल यानी गुरुवार को ब्रिटेन के वोटर तय करेंगे कि ब्रिटेन आगे यूरोपीय यूनियन का हिस्सा रहेगा या नहीं। दोनों ही पक्षों के हिमायती मतदाताओं को तरह तरह के तर्क देकर अपने साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। इस जनमत संग्रह से ठीक एक दिन पहले आइए जानने की कोशिश करें कि यहां बसे भारतीय मूल के लोग इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं। लंदन के एक भारतीय रेस्तरां में खाने का लुत्फ उठाया जा रहा है, लेकिन सभी की जुबा पर ब्रिटेन के यूरोपीय संघ में बने रहने या छोड़ने की चर्चा है। बोला जा रहा है कि ब्रिटेन जो है वो 350 मिलियन पे करता है हर हफ्ते ईयू को। ये एक झूठ है। अगर आप उसको रियली सही तरीके से कैलकुलेट करें तो एक्चुअली 190 मिलियन होता है और उसका काफ़ी बेनिफिट मिलता है ब्रिटेन को। दूसरा तो मेरे हिसाब से तो ईयू से, यूके को ईयू से बाहर हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस हिसाब से जो इमिग्रेशन है उस पर कंट्रोल ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। और ऑब्वियसली वी कैन सी अराउंड आवर हाउसेज एज वेल कि वो अगर किसी भी छोटी की कंट्री में घुस जाते हैं और वहाँ से आराम से ट्रैवल करके सबसे पहले कहाँ आएंगे? यूके आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि इकॉनमी इज मोर स्ट्रॉन्गर ओवर हियर। लेकिन ईयू छोड़ने के हिमायतियों का कहना है कि भारत के ब्रिटेन के साथ व्यापारिक रिश्तों के नज़रिए से देखा जाए तो ब्रिटेन के लिए यूरोपीय संघ में रहना नुकसानदेह है। हिंदुस्तान यूके में थर्ड हाईएस्ट इन्वेस्टर है पूरी दुनिया में, और उल्टा भी ऐसा ही है, यूके भी भारत में थर्ड हाईएस्ट इन्वेस्टर है। सो जो ये रिलेशनशिप है ये कई सालों की बनाई हुई रिलेशन है और ये ईयू की वजह से नहीं है। रिमेन कैंपेन के प्रचारकों का मानना है कि यूरोप से ब्रिटेन में बिना रोक टोक आ रहे आप्रवासियों के बारे में दहशत और नफरत पैदा कर वोटरों को यूरोपीय संघ छोड़ने की सलाह दी जा रही है। जो हमने इंसिडेंट्स देखे हैं यूरोप में, क्या ब्रसल्स में, क्या फ्रांस में, और इसी तरह जो हमने रिसेंटली अमेरिका में देखा है कि वो इसलिए है क्योंकि इमिग्रेशन अनकंट्रोल्ड है। मैं समझता हूँ दिस इज़ टोटली फॉल्स, और ये आप लोगों को आप खौफ दिलवा रहे हैं दिलों में इमिग्रेंट्स के खिलाफ। ब्रिटेन की आर्थिक स्थिरता के लिए यूरोपीय यूनियन में रहने के लिए वोटरों से गुहार लगाई जा रही है। हमारी आर्थिक सुरक्षा सर्वोपरि है, ये मजबूत रहेगी अगर हम यूरोपीय यूनियन में रहते हैं। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरन वोटरों को यूरोपीय संघ में रहने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन ताज़ा मत के अनुसार लोगों की राय बिल्कुल बटी हुई है। ब्रिटेन वासी यूरोपीय संघ में रहना चाहते हैं या नहीं, ये तो एक ऐतिहासिक मतदान में 23 जून को ही तय हो पाएगा। शिवानी कोहोक, बीबीसी हिंदी, लंदन। और अब डिजिटल दुनिया की हलचल। पाकिस्तान के जाने माने गायक अमजद साबरी की कराची में गोली मारकर हत्या कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक दो बंदूकधारियों ने उन पर गोलियां चलाई। उनकी मौत अस्पताल ले जाते वक्त हुई। किसी ने अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। वो पाकिस्तान के जाने माने सूफी कव्वालों में से एक थे। उन्होंने पाकिस्तान और भारत में भी कई शो किए थे। सीरिया में तथाकथित इस्लामिक स्टेट गुट के गढ़ शहर रक्का में हवाई हमलों में 25 आम लोगों के मरने की खबर आ रही है। हालांकि अभी यह साफ नहीं हुआ है कि हमले के लिए कौन जिम्मेदार है, लेकिन एक गुट का आरोप है कि रूसी लड़ाकू जहाजों ने ये हमले किए। वहां अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन ने और हमले भी किए। ब्राजील में ओलंपिक मशाल रिले में इस्तेमाल के बाद एक जैगुआर को मार गिराया गया। आयोजन के बाद ये मादा जैगुआर वहां से निकलने में कामयाब हो गई। उसने एक सिपाही पर हमला किया। बेहोश करने की कोशिशों के कारगर नहीं होने पर उसे मार दिया गया। आयोजकों ने कहा कि ओलंपिक मशाल को एक कैद जंगली जानवर के साथ प्रदर्शित करना गलत था।
उत्तर कोरिया ने 3 महीनों के अंदर छठी बार लंबी दूरी की मिसाइल का टेस्ट किया है। इसे मासूडान बैलिस्टिक मिसाइल बताया जा रहा है। उत्तर कोरिया के पड़ोसी देशों ने इस टेस्ट की कड़ी आलोचना की है। जापान ने इस टेस्ट को अपने लिए खतरा बताया है। थोड़ी देर पहले हमें दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल से बीबीसी संवाददाता स्टीव एवंस ने यह रिपोर्ट भेजी। बीते 3 माह में उत्तरी कोरिया इन मिसाइल का टेस्ट 6 बार कर चुका है। पिछली 5 बार ये टेस्ट असफल रहा है, लेकिन आज हुए टेस्ट के बारे में अभी अधिक जानकारी नहीं है। आज टेस्ट की गई मिसाइल करीब 250 मील तक गई। ये भी हो सकता है कि इसे अपनी पूरी दूरी तक नहीं छोड़ा गया हो। उत्तर कोरिया अपनी मिलिट्री परेडों में मिसाइल की नुमाइश करता है, लेकिन ये साफ नहीं है कि इनमें कितनी दरअसल सही ढंग से काम करती हैं। यहाँ के नेता किम जोंग उन को इस कथित परमाणु हथियार के साथ दिखाया गया है। बाहर के जानकार कहते हैं कि इन मिसाइल टेस्ट्स का बार बार किया जाना दर्शाता है कि उत्तरी कोरिया इनकी सफलता के लिए कितना आतुर है, क्योंकि आमतौर पर टेस्ट फेल होने के बाद कोई भी देश कुछ महीने और रिसर्च के बाद ही दोबारा प्रयास करेगा। दक्षिण चीन के एक गांव में स्थानीय नेता की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। वुकान गांव के पार्टी प्रमुख को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन गांव वाले कह रहे हैं कि उनके नेता की गिरफ्तारी जमीन से जुड़े एक मामले में हेरा फेरी के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से हुई है। अपने प्रमुख की गिरफ्तारी से नाराज भूकान गांव के लोग एक तरह से बगावत के मूड में हैं। लिन जुनवान पर कुछ परियोजनाओं के लिए गलत तरीके से पैसे लेने का आरोप लगाया गया है। चीनी टीवी चैनल पर उन्हें कथित तौर पर जुर्म स्वीकार करते हुए भी दिखाया गया है, लेकिन गांव वालों का कहना है कि असल कारण ये है कि सरकार जमीन के मुआवजे को लेकर जारी अभियान को रोकना चाहती थी। महिला कहती है, हमारे नेता को रिहा करो, जमीन वापस करो, इंसाफ दो। और ये ग्रामीण कहता है, हमें उम्मीद है कि सरकार ऐसा हल निकालेगी जो वास्तविक और कानूनी हो। इससे पहले वुकान का नाम 2011 में अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में आया था, जब यहाँ के लोगों ने गांव के प्रशासन पर ये कहते हुए कब्जा कर लिया कि यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों ने उनकी जमीनें बेच दी। उन प्रदर्शनों का अंत नए चुनाव करवाने के वादे से हुआ और लिन जुनवान गांव के प्रमुख चुने गए, और अब एक बार फिर उनके नाम पर वुकान में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। और बीबीसी शॉर्ट्स में आज देखिए, आग ने बदला मंजर, आग के इशारे से चलती कार और चीनी टापुओं पर पर्यटन। अमरीकी राज सैनडियागो में जंगल में लगी आग के फैलने की वजह से बड़ी संख्या में लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा। कैलिफोर्निया और न्यू मैक्सिको के करीब 1900 एकड़ इलाके में ये भयानक आग तापमान बढ़ने की वजह से लगी। 13 साल का रिली जन्म से सेरेब्रल पाल्सी का मरीज है। कार ड्राइव करना उसका सपना था, जिसे वैज्ञानिकों ने खास तकनीक से पूरा किया है। इसकी मदद से वो आंख के इशारों से ड्राइविंग कंट्रोल कर सकता है। चीन के विवादित पार्सल आइलैंड्स अब पर्यटक आकर्षण बन रहे हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ चीनी नागरिक ही जा सकते हैं। अब तक 10,000 चीनी नागरिक यहाँ टूर ले चुके हैं। चीन का झंडा फहराकर ये लोग यहाँ अपनी देशभक्ति जाहिर कर रहे हैं। अक्सर किसी नए रेस्टोरेंट में जाने के लिए लंबी लंबी लाइनें होती हैं, इंतजार करना पड़ता है, लेकिन अमेरिका में कुछ खास बड़े रेस्टोरेंट अपने यहाँ खाना खाने के लिए टिकट बेचते हैं। जैसे कि फिल्म देखने के लिए पहले से टिकट खरीदना होता है, वैसे ही खाने के लिए भी प्रीपेड टिकट। तो ग्राहकों के लिए भी रेस्टोरेंट में कन्फर्म बुकिंग हो जाती है और रेस्टोरेंट वालों के लिए भी प्रीपेड से फायदा। वॉशिंगटन में अब बाहर खाना खाना किसी भी खेल आयोजन या संगीत कार्यक्रम से कम नहीं रह गया। यहाँ के कुछ रेस्टोरेंट में खाना खाने से पहले ग्राहक को रेस्टोरेंट के लिए एक टिकट लेना पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे आप मैच देखने या फिल्म देखने जा रहे हों। Getting into the, इस तरह की टिकट से रेस्टोरेंट के मालिक के हाथों में रेस्टोरेंट का नियंत्रण वापस आ जाएगा। इसमें आपको बस इतना करना है कि पूरी मील की कीमत जितनी एक टिकट खरीदनी है। फायदा इसमें यह है कि आपको रेस्टोरेंट पहुंचकर टेबल के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा और खाना भी ऑर्डर नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वहीं टिकट खरीदने के बाद अगर आपका मन बदल जाए तो समझो आपके पैसे डूब गए। फाइन डाइनिंग में मार्जिन बहुत कम होते हैं, हमारे पास केवल 28 सीटें हैं। ऐसे में अगर 4 लोग बुकिंग करके ना आए तो हमें काफी नुकसान उठाना पड़ता है। रेस्टोरेंट्स के मालिकों को टिकटिंग की ये रेसिपी चाहे रास आ रही हो, लेकिन देखना ये है कि ग्राहक इसका कितना लुत्फ उठा पाते हैं।
बीबीसी दुनिया का आज का सफर यहीं खत्म होता है। दुनिया भर में हर पल बदलती खबरों पर हमारी पैनी नजर रहती है। दुनिया और भारत के पड़ोसी देशों की एक्सक्लूसिव और खास खबरों के साथ हम कल फिर इसी वक्त यानी 9:20 पर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।